मॉडल टाउन स्थित मुल्तान भवन में आज शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल एस के ओबराय, भाजपा प्रदेश सह संयोजक व जिला प्रभारी, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ पानीपत ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर देश के लिए जान देने वाले शहीदों को याद किया गया व उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मैं साथ ही निवेदन करूंगा आदरणीय सतीश होगा जी से, कर्नल सतीश होगा जी से, कि अपने प्रांत के भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय कर्नल आर्य सुहास जी का सैनिक है, जो भारत का योद्धा है, जो भारत का वीर है। जब एक मां अपने पुत्र को, एक पत्नी अपने पति, अपने जिला के महामंत्री जो अभी मेरे से पूर्व बहुत ही अपनी ओजस्वी भाषा से मंच संचालन भी कर रहे थे और सैनिकों के प्रति अपने कृतज्ञ भाव भी अर्पित कर रहे थे, जैसे हमारे देवेंद्र जी दत्ता जिला में संयोजक भारतीय जनता पार्टी भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के कर्नल सतीश पर सेना के उन वीर जवानों को जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए और हम सबका भविष्य कैसे सुरक्षित और संरक्षित रह सके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसे उन परिवारों के प्रति अपने कृतज्ञ भाव अर्पित करते हुए उनको सम्मानित करने जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मेरे बहुत ही आदरणीय डीपी बस्ती और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे सर्वमुख उपस्थित अन्य अनेक जिलों से पधारे सैनिक और उनके आश्रित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, भारत का एक अनूठा इतिहास रहा है। भारत ने समय समय पर ऐसे शूरवीर क्रांता हुए हो या अपने पड़ोस के किसी भी ऐसे राष्ट्र ने यह परिकल्पना की हो कि मैं भारत की सीमाओं को किस प्रकार से छोटा कर दूं, तो भारत के उन वीर जवानों ने, उन श्रेष्ठ पुरुषों ने उन आक्रांताओं से लोहा भी लिया और उन आक्रांताओं का मुंह तोड़ भी लिया। ऐसे उन्हीं परिवारों के आज बहुत से आदरणीय बंधु और हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं दर्द तरीके से उन सबका अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो दत्ता जी बहुत ही आदर भाव से एक बात कह रहे थे कि भले ही आज यहाँ संख्या कम है लेकिन भारत का शूरवीर जिस सभा में उपस्थित हो जाता है उसकी संख्या की कोई सीमा नहीं रह जाती। ऐसे भाव जब वो दर्शा रहे थे तो मैं मानता हूँ उनके पीछे उस चमकौर साहब के युद्ध का इतिहास उनके मस्तिष्क में पहुंच रहा होगा, जब केवल मात्र 40 सिख रणतंत्र युद्ध करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के पास रह गए थे, तो तब गुरु गोविंद सिंह जी को जब एक ने कहा कि ये हमारे सामने मुगलों की 7 लाख की फौज उपस्थित है, इनसे मुकाबला कैसे किया जाएगा, तब गुरु गोविंद सिंह ने इसी भारत भूमि की धरती से ये संदेश दिया था कि 7 लाख से एक लड़ाऊ, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊ, तो गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। ये विचार गुरु दत्ता जी के मस्तिष्क में उस समय घूम रहा है। हमने भारत के 47 के इतिहास के बाद हमने सिकंदर से पौरस का वो युद्ध भी देखा, हमने महाराणा प्रताप का अकबर से दो दो बात करते हुए देखे, हमने छत्रपति शिवाजी को इस देश के अंदर हिंदी साम्राज्य की स्थापना करते हुए हमें इतिहास में पढ़ा और ये इस भारत की धरती की अनूठी परिकल्पना है कि ये भारत की धरती जब शूरवीर को जन्म देती है तो वो शूरवीर एक अकेला शूरवीर 100
ये करिश्मा करके दिखाया। हमारे पास संसाधनों की भी कमी थी, हमारे पास उस समय हथियारों की भी कमी थी, केवल उस राइफल से लड़े जिसमें एक गोली चलती थी, एक गोली चलती थी, उसके बाद दोबारा गोली डाल के लड़ना पड़ता था। फिर भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेना का जवान तो युद्ध का इतिहास लिख देता है, लेकिन राजनीति